मसीह खुदावंद में आप सबकी शांति हो। प्रोग्राम आवाज़ हक के साथ आपका होस्ट हारून यूसुफ और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़नामा। आए नाज़रीन, आज हम अपने उन मेहमानों से बात करते हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और वो UCH के एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, और बल्कि हम कहें कि वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और हम उनको अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं, उनको वेलकम करते हैं। आए नाज़रीन उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम आवाज़ हक में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि आप एक ऐसे अदारे के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो कि खास करके मसीहियों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रहा है। सर, इससे पहले कि हम अपनी बातचीत का आगाज़ करें, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज आप इस प्लेटफॉर्म पर आए, और ये आप जानते हैं कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मसीहियों के लिए खास करके जो है एक ऐसा पैगाम जो है उन तक पहुँचाया जाता है, ताकि हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो हमेशा मतलब ऐसे हाल में रहते हैं कि उनके लिए कोई ऐसी जो है वो खुशहाली वाली बात नज़र नहीं आती। लेकिन नेशनल न्यूज़नामा जो है वो अपने लोगों के लिए जो है वो इस आवाज़ को ऐसा पैगाम लेकर आती है, ऐसी आवाज़ लेकर आती है जो कि उनको ऐसी जगह पर खड़ा करना चाहती है ताकि वो हर एक के सामने जो है वो नुमाया हो सकें। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप UCH के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो हमें आप सबसे पहले UCH की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। थैंक यू वेरी मच अरुण साहब। पहला तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नेशनल न्यूज़ का, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं नेशनल न्यूज़ को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। नेशनल न्यूज़ इस वक्त जो हमारे, जैसा कि आपको पता है कि बहुत से हमारे क्रिश्चियन चैनल्स हैं, उसमें मैं ये समझता हूँ कि नेशनल न्यूज़ इस वक्त बहुत बेहतर है और बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि दोनों साइड्स के व्यूज़ जो हैं वो कम्युनिटी तक पहुंचाएं। तो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं कि आपकी जो व्यूअरशिप है वो ग्रेजुअली, शायद इसी वजह से वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें ये मौका दिया, कि क्योंकि UCH के हवाले से अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी के बहुत ज्यादा कंसर्न्स होते हैं, होने भी चाहिए, बट जो करंट सिचुएशन है उसमें खुदा का शुक्र है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल ये रेनोवेशन स्टार्ट हुई, क्योंकि UCH जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त से बहुत ज़्यादा मसाइल और वसाइल की वजह से इट वाज ऑलमोस्ट क्लोज्ड। मैंने ज्वाइन किया था सितंबर 2014 में। मैं आपके सवाल से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ ताकि लोग उसके साथ कंपैरिजन कर सकें कि अब करंट सिचुएशन क्या है। सितंबर 2014 में आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हमारा जो एक बड़ा काबिले फखर अदारा था, इसके मेन गेट पे जिस दिन मैं एंटर हुआ चार्ज लेने के लिए, तो इवन इसके मेन गेट पे इस अदारे का नाम तक नहीं था। तो मैं ये समझता हूं, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में बड़ी दफा कहा कि जिस बिल्डिंग पे या जिस घर के बाहर उसकी शनाख्त नहीं है तो उसका तो कोई फिर पुरसाने हाल नहीं होता, वो एक गुमनाम हैसियत रखती है वो इमारत या वो अदारा। सो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने एक कंपनी के साथ बात करके, जो पेप्सी थी उससे बात की, और मैंने एक बोर्ड बनवाया ताकि हमारे एटलीस्ट जो शनाख्त हम खोते जा रहे हैं उसको हम दोबारा से लोगों को पता लगे कि ये यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल है। और सेकेंड काम ये था कि मेन गेट को पेंट करवाया, बिकॉज वो एक जंग आलूद गेट था, तो ताकि एटलीस्ट अदारा नजर आए लोगों को कि ये आबाद है। अनफॉर्चुनेटली इसके मुख्तलिफ रीजंस हैं, उस वक्त आपकी तमाम जो लीगल रजिस्ट्रेशंस हैं, मतलब लाइक कोई भी हॉस्पिटल है वो पंजाब हेल्थ कमीशन के साथ रजिस्टर्ड होता है, अगर आप कोई ट्रेनिंग्स करा रहे हैं तो वो मुतलका अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए, आपका FBR के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अगर आप एक प्रॉपर अदारे को रन कर रहे हैं। इसकी सारी की सारी रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो 2009 से सस्पेंडेड थी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, उसमें मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, एवरीबॉडी नोज कि ये अदारा तकरीबन बंद था, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 2015 में मैं ट्रेनिंग से स्टार्ट करूंगा कि उस वक्त सिर्फ यहाँ पे लैब और एक्सरे की ट्रेनिंग थी जो कि गवर्नमेंट उसको जिसको रिकग्नाइज नहीं करती थी, लेकिन 2015 में ही खुदा का शुक्र है कि ना सिर्फ लैब और एक्सरे बल्कि हमने इसके साथ
ओटी टेक्नीशियन, डिस्पेंसर, ये भी दो ट्रेनिंग्स ऐड की और ये चारों की चारों जो हैं पंजाब मेडिकल फैकल्टी के साथ रजिस्टर्ड हैं। ये 2 साल का कोर्स है जो मैट्रिक के रिजल्ट के फौरन बाद इसके एडमिशन्स होते हैं और अब हमारे बच्चे सिंस 2015 जो बच्चे 2 साल की ट्रेनिंग्स करके जा चुके हैं वो बहुत अच्छा जगहों पर काम कर रहे हैं। अगर प्राइवेट में कर रहे हैं तो इवन देन दे आर गेटिंग गुड सैलरीज, कुछ को गवर्नमेंट जॉब्स मिल गई हैं। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो 2015 से ऑनवर्ड्स अभी तक खुदा का शुक्र है कि वो चल रही है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 98 में आपका नर्सिंग का लास्ट बैच निकला था, उसके बाद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, जो ये मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती की बात है कि इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा अदारा और वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड ना हो। सो 15 में ही हमने महदूद वसाइल की वजह से इनिशियली कम्युनिटी मिडविफरी के लिए अप्लाई किया और शुक्र है खुदा का उसमें मैं UCH की जो मेरी स्कूल की टीम है मैं उसको हमेशा बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज अगर वो मेरे साथ मेरा ना देते तो शायद हम ये ना कर पाते। सिंस 2015 आपकी कम्युनिटी मिडविफरी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से प्रॉपरली रिकग्नाइज्ड है। सो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। शॉर्ट करता हूं बिकॉज ये बातें बहुत दफा पहले भी डिफरेंट चैनल्स पे इंटरव्यूज में हो चुकी। करंट सिचुएशन ये है कि जब हमारी रेनोवेशन स्टार्ट हुई उसके बाद उस जिसमें मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे दोबारा कि एमरजेंसी जो है उसको प्रॉपरली रेनोवेट किया गया और फिर मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ यूसुफ जलील फाउंडेशन का जिन्होंने बहुत ज्यादा UCH को सपोर्ट किया एंड स्टिल दे आर सपोर्टिंग अस। वो उन्होंने उसी एमरजेंसी में 4 बेड का एक ICU डेवलप किया। सो लाहौर की किसी भी अच्छी एमरजेंसी से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, आपकी जो इमरजेंसी है किसी से कम नहीं है खुदा की मेहरबानी से। इसी तरह फ्रेंड्स ऑफ UCH ने हमारा एक वार्ड जो सिंस आई डोंट नो 98 से या 97 से बंद पड़ा हुआ था एमरजेंसी के बिल्कुल ऊपर, वो 32 बेड्स का वार्ड है। फ्रेंड्स ऑफ UCH जो एक कम्युनिटी से ग्रुप बना था जिन्होंने डिफरेंट लोगों से कम्युनिटी से पैसे जनरेट किए और उस पूरे वार्ड की रेनोवेशन कराई और उस वार्ड के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ कि वो वार्ड भी प्रॉपरली इक्विप्ड है और एयर कंडीशन वार्ड है, उसमें 2 साइड रूम्स हैं वो भी एयर कंडीशन हैं और वो प्रॉपरली अब 32 बेड का जो वार्ड है वो एक्टिव है। और तीसरी अभी कुछ रेनोवेशन अभी जारी है। फिर फ्रेंड्स ऑफ UCH ने क्योंकि देखें अच्छे कंसल्टेंट्स को बिठाने की जगह अगर आपके पास नहीं है तो जो प्राइवेट कंसल्टेंट्स होते हैं वो थोड़ा अवॉइड करते हैं वहां बैठने के लिए, क्योंकि इसलिए बहुत जरूरी था कि हम अपना जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है OPD उसको भी अपग्रेड करते हैं। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शुक्र है खुदा का, मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ सारी कम्युनिटी का, उन सब लोगों का, चाहे किसी ने 10 रुपए उसमें डोनेशन दी या 1,00,000 रुपए दी, तो मैं उन सब, मेरे लिए वो सब बिल्कुल बराबर हैं और मैं उनका बहुत शुक्र गुजार हूं कि उन्होंने अपने बच्चों का पेट काट के वो किया और वो OPD हमारा आज 7 कमरों के साथ मौजूद है और खुदा का शुक्र है कि वहां पे रेगुलर कंसल्टेंट्स बैठ रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, कुछ दोस्तों का ख्याल होता है कि जी वहां पे पेशेंट टर्नओवर नहीं है, शायद आगे चल के आप ये सवाल मुझे शायद करना भी चाहते होंगे क्योंकि करंट सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसमें उसको ऐड कर रहा हूं। देखिए ओपीडी एक फर्क, ओपीडी का जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट जो है उसमें बहुत सा पेशेंट ऐसा होता है जो वक्ती तकलीफ के साथ आता है, डॉक्टर को दिखाता है और वापस चला जाता है। उससे कतन ये मतलब नहीं है कि जो ओपीडी में पेशेंट आया है उसने एडमिट हो जाना। सो एडमिट वो होता है जो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अगर किसी को कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो उसको डॉक्टर एडमिट करता है। और जो हॉस्पिटलाइज्ड होने वाला पेशेंट होता है वो नॉर्मली ओपीडी में नहीं आता, वो थ्रू एमरजेंसी आता है। ओपीडी खुदा का शुक्र है हमारा कि अगर हम इसको प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करें तो मैं बल्कि आपको दावत देता हूं कि आप किसी वक्त अपनी टीम के साथ एनी डे सरप्राइज विजिट कीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये ना हो कि जी जिस दिन आपने आना है तो वहां पे हम कोई ओपीडी में लोग खड़े कर दें। आप एनी डे मेरी तरफ से आपको ये मुकम्मल इन्विटेशन है कि आप आइए देखिए कि सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक हॉस्पिटल ओपीडी कैसा चल रहा है, ठीक है,
सेकेंडली इसमें एक बड़ी अहम बात है कि वही ओपीडी हम शाम के वक्त उसको प्राइवेट कंसल्टेंट्स को ऑफर करते हैं. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, शुक्र है खुदा का कि जो कि बिल्कुल ही नील था, अब शाम में भी 25, 30, 40 पेशेंट जो है वो रूटीन में आते हैं और तीन चार कंसल्टेंट्स बैठते हैं. और यहाँ पे मैं ये भी जिक्र करना चाहता हूँ कि 2 बजे के बाद जब हमारा जनरल ओपीडी बंद हो जाता है, यूसुफ जलील फाउंडेशन ने अपने कुछ डॉक्टर्स के थ्रू वहां पे सिर्फ 50 रुपए में पेशेंट को फैसिलिटेट किया है कि अगर कोई भी पेशेंट ऐसा जो नॉन अफोर्डिंग है, जो एक अच्छे कंसल्टेंट लेवल के डॉक्टर्स को दिखाना चाहता है, वो सिर्फ 50 रुपए पे करे यूसीएच ओपीडी में और वो उस कंसल्टेंट को दिखा सके. मेरे सवाल का जो है वो पहले ही जवाब दे दिया, ये मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था. थोड़ा सा मैं इसके साथ एक और चीज इसको, क्योंकि ये थोड़ी लंबी बात है. बिल्कुल. अब आउटडोर पेशेंट के बाद हम बात करते हैं इंडोर पेशेंट की. देखिए, किसी भी हॉस्पिटल को खुदा सबको अपनी खैरियत और सलामती में रखे, सेहत जिंदगी दे, बट किसी भी हॉस्पिटल का जो मेन रेवेन्यू होता है ना, वो आ रहा होता है उसके इंडोर पेशेंट से. बिल्कुल. अब इंडोर पेशेंट से बहुत सी रिलेटेड चीजें हैं जिनको हमें प्रोफेशनली, और मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में बड़े सेंसिबल समझदार लोग हैं, और क्योंकि ज्यादा लोग सेहत से के महकमे से या हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं, तो वो इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए उनको. जब हम बात करते हैं इंडोर पेशेंट की, तो उसमें ज्यादा आता है मेडिकल का पेशेंट या सर्जरी का पेशेंट. सर्जरी हुई, उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन एज पर रिक्वायरमेंट पेशेंट ने वहां पर रहना है. मेडिकल का पेशेंट क्रॉनिक है, कोई ऐसी डिजीज है जिसके लिए उसको 10 दिन रहना है, उसने वहां पे आना है. अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ सर्जरीज कितनी है, क्योंकि बिकॉज नंबर ऑफ सर्जरीज जो है वो आपका इंडोर बनाएंगे ना. अनफॉर्चुनेटली यूसीएच के ऑपरेशन थिएटर्स अभी बहुत ज्यादा अपग्रेडेड नहीं है. जितनी उनकी कैपेसिटी है उस हवाले से वहां पे सर्जरीज हो रही हैं, बट मेजर सर्जरीज हम वहां पे इसलिए नहीं कर पा रहे कि अभी हमारे पास जनरल आईसीयू नहीं है. ओके. उसकी रेनोवेशन कंप्लीट हो चुकी है. वो हमारे एक दोस्त थे, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, गुजर ब्रादरी. उन्होंने हमें हमारे ऑपरेशन थिएटर्स के बिल्कुल ऑपोजिट जो एक्चुअली आईसीयू है वो सारे का सारा रेनोवेट किया, लेकिन उसको अभी इक्विप करने की जरूरत है. सो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारी मदद करें, उसके लिए बेड्स, आईसीयू बेड्स हमें रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए अभी हमें वेंटिलेटर्स रिक्वायर्ड हैं, बिकॉज जब वो होगा तो डेफिनेटली आपके पास जनरल सर्जरीज या ऐसी सर्जरीज जो जिसके फौरन बाद आईसीयू की जरूरत होती है वो भी परफॉर्म होना शुरू हो जाएंगी. अब उस लेवल के डॉक्टर्स ओपीडी में आपके पास मौजूद हैं, बट वो सर्जरीज यहां पे इसलिए नहीं कर पाते कि आपके पास वो सपोर्टिंग इक्विपमेंट नहीं है. सो इसको बड़ा बारीकी से टेक्निकली हमें समझने की जरूरत है कि जब तक हम वो चीजें वहां एड नहीं करेंगे, बड़ी सर्जरीज वहां पर मतवक्को नहीं है. बिल्कुल. नंबर वन. अब हम बात करते हैं मेडिकल साइड की. मेडिकल में भी जो पेशेंट ज्यादा सीरियस होते हैं उनको भी आईसीयू की जरूरत होती है. अगेन फिर वही बात जिस तरह मैंने अभी वजाहत की कि आईसीयू, चाहे वो जनरल सर्जरी का पेशेंट है, चाहे वो मेडिकल का पेशेंट है, जब तक आपके पास एक प्रॉपर बड़ा आईसीयू नहीं होगा तब तक आपका एडमिशन उस तरीके से नहीं होगा. अब इस वक्त अगर हम बात करें हमारे पास, बल्कि मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूं कि हमारे पास इस वक्त एक फाउंडेशन है जो क्लेफ्ट के ऑपरेशंस कर रही है, जिसमें होंठ कटा, तालू चिपका हुआ, नाक अगर किसी बच्चे का बाय बर्थ खराब है, तो प्लीज उसको यूसीएच में लाइए विदाउट सिंगल पेनी, 1 रुपया खर्च किए बगैर, बल्कि मेडिकेशन भी आपको यूसीएच प्रोवाइड करेगा. आप उस बच्चे को हमारे पास लाइए, हम उसको मुकम्मल कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ खुदा की मेहरबानी से उसका वहां पे रहना, उसका सर्जरी, उसकी दवाई, वो सारी यूसीएच बेयर करेगा. कोई ऐसा बच्चा, मैं आपके चैनल के तवसत से ये मैसेज दे रहा हूं कि वो जिसका होंठ कटा हुआ है, तालू चिपका हुआ है, या नाक नहीं डेवलप हो सका, तो उसको जरूर यूसीएच रेफर कीजिए. अब ये सर्जरीज हमारे पास रेगुलर हो रही है क्योंकि इसके लिए हमें आईसीयू की जरूरत नहीं है. आप हफ्ते में
हर हफ्ते 2 दिन ये सर्जरी होती है, वो भी मैं आपके चैनल को रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी वक्त अपनी टीम भेजिए, आप उन लोगों के इंटरव्यूज कीजिए, मैं आपको उस डॉक्टर से मिलवाऊंगा जो मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो सर्जरीज करते हैं, सो यू कैन अवेल्यूएट कि जो ये मैं बात कर रहा हूं वहां पे पेशेंट एडमिट होता है या नहीं होता। इसी तरह हमारे पास गाइनी में सजेरियंस होते हैं, बट सजेरियन का स्टे अब तो सिर्फ 2 दिन का रह गया हुआ है, एक दिन सजेरियन हुआ, 2 दिन पेशेंट रहा, उसके बाद चला गया। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम ये बात करते हैं कि जी टर्न ओवर क्यों नहीं है, तो ये जहां हम अपने अदारे को, मैं सिर्फ अपने अदारे की बात करूंगा, यूसीएच की, मैं ओवरऑल नहीं बात करता, क्रिटिसाइज करते हैं कि जी वहां पे टर्न ओवर नहीं है, वहां पे पेशेंट नहीं जाता, तो मेरे भाई ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर हम ये कहते हैं कि वो हमारा अदारा है, तो अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आप इत्तेफाक हॉस्पिटल जाते हैं या यूसीएच जाते हैं, बिल्कुल आप कहीं और जाते हैं या यूसीएच आते हैं। खुदा आप सबको महफूज रखे, स्पेसिफिकली गाइनी के हवाले से, ओबी गाइनी के हवाले से मैं एक ये बात करता हूं कि ओबी गाइनी सिर्फ बीमारी का वार्ड नहीं है या डिपार्टमेंट नहीं है, ओबी गाइनी एक उसमें एक ब्लेसिंग भी इन्वॉल्व है। हमारी कितने बच्चियां बच्चे जिनकी शादियां होती हैं, खुदा उनको 9 मंथ्स के बाद ब्लेस करता है, तो वो इधर उधर जो जाते हैं और लाखों रुपया खर्च करते हैं, यूसीएच में नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ 20,000 रुपए में हो रही है, सजेरियन सिर्फ 30,000 रुपए में हो रहा है। तो आप आइए, आप आएंगे, हमें खिदमत का मौका देंगे, तो हॉस्पिटल चलेगा और तो हॉस्पिटल बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे हमारे पास 2 प्रॉपर क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो प्रोफेसर लेवल की डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स की टीम है, राउंड द क्लॉक यूसुफ जलील फाउंडेशन की मदद से इमरजेंसी ऑपरेटिव है, रात को गाइनी में मेडिकल डॉक्टर अवेलेबल, उसके गाइनी की डॉक्टर अवेलेबल है। सो जब तक आप हम खुद सारे मिलके इसको ओन नहीं करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ आई है तो हमें अपने अदारे में जाना है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको खुदा ना खास्ता हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया तो यूसीएच में है या नहीं है, आपने जरूर उधर जाना है, बट जो फैसिलिटीज वहां पे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास बेहतरीन आई डिपार्टमेंट है, हमारे पास डायलिसिस यूनिट है, हमारे पास डेंटल यूनिट है, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी है विद दैट 4 बेड्स ऑफ आईसीयू जो एमरजेंसी में है, हमारे पास गाइनी की कंप्लीट रेंज है, नर्सरी है, इसके लिए तो हम अपने अदारे को ओन कर सकते हैं ना। और ये वो चीजें हैं जो बड़ी कॉमन है हमारी जिंदगी में। यहाँ पे ना एक बात जो है ना वो मेरे जहन में आ रही थी, जैसे अभी आपने ऑपरेशन के जो एक्सपेंसेस हैं उनके बारे में सारा जो बताया आपने कि हमें मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जाते हैं और वहाँ पे हम इतने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल राइट है और मैं इसी बात को थोड़ा सा मतलब लोगों के सामने भी शेयर करना चाहता हूँ कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और आप इतने ज़्यादा पैसे जो हैं वो खर्च करते हैं, और बहुत सारे लोगों से हमने सुना है मतलब ज़ाती तौर पर कि जब हम यूसीएच में जाते हैं तो वो हिडन चार्जेस बहुत ज्यादा लगाते हैं, इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहते हैं? हारून भाई, इसके लिए तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जिस तरह मैंने अभी आपको अनाउंस किया, मैंने अभी ये शेयर किया कि 30,000 में सजेरियन है, 20,000 में नॉर्मल डिलीवरी है। बिल्कुल। इस प्रोसीजर के अलावा इस प्रोसीजर के लिए अगर आपसे कोई सिंगल पेनी भी मांगता है तो मेरा ऑफिस जहां आपने पेमेंट करनी है, जिसको हम रिसेप्शन कहते हैं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, और मैं सुबह 8:30 से लेके ऑलमोस्ट शाम को 6 बजे तक अपने ऑफिस में होता हूं, आप वहां तशरीफ ला सकते हैं। उस दिन मुलाकात नहीं हुई तो पेशेंट तो आपका एडमिट होगा, आप मुझे अगले दिन मिलिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक बात जरूर क्लियर करना चाहता हूं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ये जो चार्जेस हैं सजेरियन के या नॉर्मल डिलीवरी के, ये वो पैसे हैं जिसमें सिर्फ आप डॉक्टर आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसमें सर्जन इन्वॉल्व्ड है, उसमें एनेस्थीजिस्ट इन्वॉल्व्ड है, उसमें पीड्स का डॉक्टर इन्वॉल्व है, उसमें आपका जो स्टे है वो इन्वॉल्व है। अब अगर आप डॉक्टर को उस वक्त जरूरत पड़ी है और उसने आपको लैब टेस्ट बताए, तो भाई वो इसमें नहीं होता और ना ही वो हिडन चार्ज है। बिल्कुल ठीक है, आप समझते हैं इस बात को, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली अपने अदारों में जाके ये फिर वही बात है कि क्लेम करते हैं कि हमारे अदारे, और हम इन चीजों को समझते हुए क्रिटिसिज्म करते हैं और एक गलत मैसेज देते हैं। या अल्ट्रासाउंड है,
तो उसको आप कहें कि वो हिडन चार्जेस हैं, तो भाई वो हिडन चार्जेस नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स, वो एक फर्क बात है। मैंने आपको फिर रिपीट करता हूं कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आपने डेफिनेटली मेडिसिन तो आपने लेके आनी है, वो हॉस्पिटल ने नहीं देनी। सजेरियन हुआ है, मेडिसिन तो आपने लेके आनी है, वो हॉस्पिटल ने नहीं देनी। यही सजेरियन बार 2.5 से 3 लाख रुपए में हो रहा है, जो आपको 30,000 में यूसीएच करके दे रहा है। यही नॉर्मल डिलीवरी जो यूसीएच में 20,000 रुपए की हो रही है, बाहर आपको 1-1.25 लाख रुपए में मिलती है, एज कंपेयर टू अदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स या जो फैसिलिटीज आपको यूसीएच दे रहे हैं, और उसमें भी मेडिसिन शामिल नहीं है। सो प्लीज, अगर आप इनको हिडन चार्जेस समझते हैं तो इसके लिए मैं माजरत खाऊं। इसके अलावा अगर किसी मेरे स्टाफ ने आपसे कुछ मांगा है तो आप प्लीज हमें बताइए, हम उस पर जरूर एक्शन लेंगे। जी बहुत शुक्रिया। ये एक पॉजिटिव बात जो यूसीएच के बारे में लोगों के मतलब जहन में से दूर थी, या मतलब वो सोचते थे कि शायद हमसे हिडन चार्जेस जो है वो लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आपके रेफरेंस से हमारे नाजरिन तक ये बात पहुंची है कि यूसीएच जो है वो कभी भी किसी से ऐसी जो है वो डिमांड नहीं करता कि एक्स्ट्रा जो है वो पैसे दिए जाएं। बहुत अच्छा रहा सर, आप हमें ये बताएं कि हमारे हॉस्पिटल में जो नर्सिंग स्कूल का जो स्टेटस है उसके बारे में आप हमारे नाजरिन को भी जरा। ओके, ये आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि मैं इस पे जरूर आपके इस नेशनल न्यूज के प्लेटफॉर्म से नेशनली ही ये बात शेयर करना चाहता था। देखिए, नर्सिंग स्कूल के हवाले से तो मैंने आपको बताया कि इट इज नाउ पैरामेडिकल स्कूल, और वहां पे इस वक्त कम्युनिटी मिडवाइफरी, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और डिस्पेंसर जो है, ये ट्रेनिंग्स वहां पे हो रही हैं और रेगुलर बेसिस पे इनकी क्लासेस हो रही हैं। ये भी आपको यहाँ पे अपडेट करता चला जाऊं कि ओटी और लैब की हमारे पास पंजाब मेडिकल फैकल्टी से अप्रूव्ड दोनों कैटेगरीज में 50-50 सीट्स हैं। ओके, एक्सरे और डिस्पेंसर में हमारे पास 25-25 सीट्स हैं, और कम्युनिटी मिडवाइफरी की हमारे पास 25-25 सीट्स हैं। सो ये अभी हमारा जो है इस वक्त जो चल रहा है, और इसके साथ साथ हम बीएसएन नर्सिंग प्रोग्राम पे इस वक्त एज अ टीम उस पर बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। उसके लिए हम अपने लैब्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं, बिकॉज बीएसएन नर्सिंग अगेन अब आपकी ऑलमोस्ट एक मेडिकल कॉलेज के बराबर है। उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई हुई है कि अब आपको बहुत से लैब्स एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं, आपको मेडिकल लाइब्रेरी एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, आपके क्लासरूम्स का इवन उन्होंने साइजेस बताए हुए हैं कि इतना इतना साइज होना चाहिए, और खुदा का शुक्र है कि हम इसमें से 60% काम जो है वो कर चुके हैं। और मैं एक दफा फिर ये अनाउंस कर रहा हूं कि इसको प्लीज दुआ में रखिए, 2022 में वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर बीएसएन नर्सिंग विद पीएनसी, तो इसको खास तौर पर अपनी दुआ में रखिए। हम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए उनके साथ राबते में हैं, और हमारा टारगेट ये है कि बाय जून हम इसको अप्लाई कर दें, ताकि आइंदा आने वाले एडमिशन से पहले हमारी इंस्पेक्शन हो और हम खुदा की मेहरबानी से अप्रूव हो, और हम एक दफा फिर कम्युनिटी को जो है नर्सिंग का तोहफा जो है वो यूसीएच की तरफ से वो जरूर दे सके। इमरान साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं जरा कि हमारे जो नर्सिंग स्कूल का जो मतलब इस वक्त जो स्टेटस है वो आपने बयान किया, अब ये हमें बताएं कि हमारे पास कितनी जो हमारी बेटियां हैं या जो हमारे नौजवान हैं वो कितना जो है वो यूसीएच की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं नर्सिंग के लिए। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब 2015 में हमने पहली दफा ये अप्रूवल करवाया तो हमने कोट लखपत में भी बैनर लगवाए, योहानाबाद में भी बैनर्स लगवाए कि जी जिन बच्चों ने इसकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम 45% मैट्रिक विद साइंस आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो बिलीव मी, उस वक्त मेरे पास सिर्फ ये 25-25 सीट्स थी। पहले साल मैं वो 25 सीट्स क्या मैं उसमें से शायद 50% भी पूरी नहीं कर सका। लाइक अगर एक्सरे में मुझे 25 बच्चे चाहिए थे तो सिर्फ 12 बच्चे एडमिशन के लिए आए। तो ये एक बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन थी कि जब तक ये अप्रूव्ड नहीं थे तो लोग हमारे साथ रापता करते थे, पूछते थे, अब ये अप्रूव्ड है तो बच्चे आ नहीं रहे। बट हारून भाई, फ्रॉम 2016 मेरी ये बनती हैं 100 and 150 ऑलमोस्ट 200 सीट्स। इन 200 सीट्स के अगेंस्ट
ऑलमोस्ट कुछ 600 एप्लीकेंट्स होते हैं ओके और हमें माजरत करनी पड़ती है, हमें मेरिट बनाना पड़ता है और एक आध दफा अभी बल्कि जब लास्ट सेशन था तो आपके चैनल ने जब वो सारे इंटरव्यूज हो रहे थे उनके रिटन टेस्ट हो रहे थे तो उसको कवर भी किया था। तो शुक्र है खुदा का कि हमारे क्रिश्चियन बच्चों का और क्रिश्चियन एरियाज में अब लोगों को बहुत अच्छी तरह इस बात का पता है कि UCH में प्रॉपरली अप्रूव ट्रेनिंग्स हो रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। सर आप हमें नर्सिंग कॉलेज के भी बारे में बताएं जरा। जी मैंने जिस तरह अभी आपको बताया कि 2022 में इसको आप दुआ में रखिए और अगर किसी वक्त आपकी टीम आए तो आप वहां पे तशरीफ लाएं, हम आपको जो क्लासरूम्स हम बना रहे हैं वो भी हम आपको विजिट कराएंगे कि वी हैव टारगेट के अगर हमें 2 जून तक हम इसको इस काबिल करें कि हम इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई करें। बिकॉज जब आपकी फाइल इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन चली जाती है उसके कुछ महीने डेढ़ बाद आपको इंस्पेक्शन टीम की तरफ का वो आता है कि जी हम फलां तारीख को आ रहे हैं। सो हमारे पास टाइम होगा और इस बात को खास तौर पे दुआ में रखिए और बल्कि मैं ये भी दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारी बहनें या भाई BSN है MSN है अभी हमें उनकी जरूरत है प्लीज हमसे राब्ता कीजिए, नर्सिंग स्कूल प्रिंसिपल के साथ राब्ता कीजिए या मेरे साथ राब्ता कीजिए, मेडिकल डायरेक्टर साहब के साथ राब्ता कीजिए। वी नीड फैकल्टी, वी नीड आर ओन पीपल जो हम इस बड़ी कॉज के लिए जिनको हम इस्तेमाल कर सकें और हम अपनी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी बातें आपने जो है वो UCH के बारे में हमें बताई लेकिन फिर भी आखिर में मैं ये चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर अक्सर जो है यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के बारे में नेगेटिव जो बातें हैं बहुत ज़्यादा जो लोगों के सामने जो है वो गर्दिश करती हैं। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप हमारे नाज़रीन को UCH के वो जो नेगेटिव बातें उनके जहन में हैं उसको किस तरह से पॉजिटिव जो है वो शेयर करते हैं? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने हारून, मैं इसका इस तरह से जवाब दूंगा कि वी नीड टू बी वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मे बी किसी को मेरी जात नहीं पसंद, मे बी जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं वो किसी को नहीं पसंद, हमारी प्रिंसिपल नहीं पसंद या कोई भी स्टाफ मेंबर किसी को नहीं पसंद, बट जब हम उस शख्स को का नाम लेके उसको टारगेट करके अदारे का नाम उसके साथ जोड़ते हैं तो एक्चुअली आप अदारे की टांगे खींच रहे होते हैं। सो एक तो मैं अगेन नेशनल न्यूज के फोरम से आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी के कोई कंसर्न्स हैं कोई मामलात हैं तो प्लीज आप आइए हमसे डिस्कस कीजिए, हमने तो कभी किसी को मना नहीं किया। लेकिन जो आप अपने घरों में बैठ के मीटिंग करके और सोशल मीडिया पे चीजें अनवेरीफाइड डाल देते हैं खुदा रा प्लीज उसके लिए मैं हमने बड़ी दफा दरख्वास्त की है कि प्लीज इज्तनाब करें, मत ऐसे करें, खुदा ने हम पे मेहरबानी की है। एज कंपेयर टू प्रीवियस सिचुएशन UCH इज गोइंग फॉरवर्ड, UCH बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है, प्रोग्रेस है। आपके कोई भी कंसर्न्स हो, यहाँ पे मैं एक चीज ये भी ऐड करना चाहूंगा, पिछले दिनों क्योंकि नेगेटिविटी की हम बात कर रहे हैं तो मैंने इस मौके को गनीमत जानते हुए मैं ये आपको बताऊं, एक मैंने व्हाट्सएप पे खबर देखी कि वहां पे कोई नर्सरी जो है वो किसी को दे दी गई है और कोई मौलाना साहब हैं जो उस नर्सरी को ओन करते हैं ये करते। भाई अगेन यही दरखास्त करूंगा कि प्लीज आइए उन मौलाना साहब से हमें भी मिलाइए, वो नर्सरी हमें भी दिखाइए जो हमें नजर नहीं आ रही। मैं आपको ओपन इनविटेशन दे रहा हूं कि प्लीज आइए, मैं आपको खुद विजिट कराऊंगा, आप आइडेंटिफाई करें कि वहां पे क्या गलत काम हो रहा है। और देखिए गलतियों की गुंजाइश हर जगह पे होती है, बिल्कुल ऐसे ही, नोबडी इज परफेक्ट। इस्लाह कीजिए, खुदारा क्रिटिसिज्म मत करें और अगर करना है तो हेल्दी क्रिटिसिज्म कीजिए। हमें कौम बनने की जरूरत है, हमें उस हजूम नहीं बनना जो हम एक अरसे दराज से एक दूसरे की, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ, आई डोंट नो टाइम इतना है कि नहीं है, दे सकते हैं कि वो पंजाबी की एक मिसाल थी ना यहाँ उर्दू की कि वो कुएं थे वो बंद थे और तीन बंद थे एक खुला था, तो किसी ने सवाल किया और जो कि ये जो कुएं खुला हुआ है बाकी आपने बंद किए हुए और वहां पे पहरेदार भी खड़े किए हुए तो ये खुला हुआ कुआं किसका है? तो उन्होंने कहा कि ये क्रिश्चियंस का कुआं है जो खुला है। उन्होंने कहा कि ये जो बाकी तीन कुएं ना ये मुख्तलिफ कौमें हैं, ये एक दूसरे की मदद करके ना तो ये बाहर निकल आते हैं, अपलिफ्ट करते हैं।
नहीं, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, वो कहते हैं एक बार निकल जाएगा ना तो बाकी हाथ पकड़ के मैं बाहर निकाल लेगा, इसलिए हमने इनको बंद भी किया हुआ है, इनके ऊपर पहरेदार भी लगाया हुआ है ताकि ये बाहर ना आए। तो उन्होंने कहा कि ये कृष्ण भी तो ये कुआं आपने खुला छोड़ा हुआ है, वो भी निकल जाएंगे। उन्होंने कहा ये नहीं निकल सकते, ये जैवी कोई ता होंगे ना दूजा उदी अपनी लत फड़ के खिंच लेंदा। बिल्कुल ऐसे। सो प्लीज अगर किसी को ये बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत खा हूं, लेकिन मैं अगेन फिर वही बात करूंगा, जब हम किसी एक शख्स का नाम लेते हैं, अगर किसी को इमरान टाइटस पसंद नहीं है तो भाई थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले, उसके साथ जब अदारे का नाम जुड़ता है तो हम बेसिकली अदारे को बुरा भला कह रहे होते हैं, इमरान टाइटस को आप बुरा भला नहीं कह रहे होते। इमरान टाइटस को जो पर्सनली लोग जानते हैं उनके लिए तो इमरान टाइटस वही है। सो प्लीज अगर आपकी कुछ सजेशंस हैं, आपकी कोई कंसर्न्स हैं, आप हमारे साथ डिस्कस करें, हमसे बात करें, उसके बाद सोशल मीडिया पर जरूर आप बात डालें। और फिर वही बात करूंगा कि अगर हम यूसीएच एडमिनिस्ट्रेशन को या यूसीएच मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि जी वहां पे टर्नओवर नहीं आ रहा, वहां पे पेशेंट दाखिल नहीं हो रहे, वहां पे ये नहीं हो रहा, वहां पे वो नहीं हो रहा, तो मैं अगेन फिर यही बात करूंगा कि अपने दिल पे हाथ रख के फैसला कीजिए कि जब खुदा ना खास्ता आपको प्रॉब्लम होता है तो आप अपने अजीजों को कहां लेके जाते हैं, या उनको क्या मशवरा देते हैं, या आप वो क्या करते हैं, और हम में से कितने हैं जो ये करते हैं, या आपको पता है कि वहां पे हम स्ट्रगल की है कम्युनिटी ने, बहुत से लोगों ने, और मैं पर्सनली ऐसे बहुत से ओवरसीज क्रिश्चियंस को जानता हूं, पाकिस्तानियों को और लोकल पाकिस्तानियों को, जिन्होंने जो दे आर सैलरीड जो मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, उन्होंने अपने बच्चों के बजट में से पैसे निकाल निकाल के यूसीएच की मदद की है। तो जब हम इस नतीजे पे हम आ चुके हैं, हम एक अच्छी स्टेप बाय स्टेप हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पे हमें उस सारी मेहनत को रायगा नहीं करना। थोड़े अरसे के लिए नेगेटिविटी को प्लीज खत्म कीजिए और इसको आगे बढ़ने दें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यूसीएच महफूज है, यूसीएच बिल्कुल फलेगा फूलेगा खुदा की मेहरबानी से, और आने वाला साल हमारे लिए बहुत बरकतों का साल होगा। इमरान साहब, आप हमें यूसीएच के जो बोर्ड मीटिंग है उसके बारे में जरा थोड़ा सा बताएं कि वो कब और उसका जो ड्यूरेशन है वो आपने कब और किस तरह से रखा हुआ है। अच्छा, पहली बात तो मैं हारून आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि बोर्ड मीटिंग मैं नहीं रखता। अच्छा, मैंने उसका ड्यूरेशन नहीं डिसाइड किया हुआ। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। ओके, ये एक क्योंकि हमारा खुदा की मेहरबानी से एक प्रॉपर रजिस्टर्ड अदारा है, तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन इसकी जो बोर्ड मीटिंग है उसका तरीकाकार ये है कि ये एनुअली होती है। ओके, ठीक है, और एनुअली बोर्ड मीटिंग में फिर वो सारे साल के जो मामलात हैं वो वहां पे रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं, उसको डिस्कस किया जाता है। हाँ, अगर कोई इमरजेंट सिचुएशन है, कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात है जिसके लिए इमीडिएटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाने की जरूरत है, तो वो उस सूरत में हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस हमारी पिछले साल बोर्ड मीटिंग हमने कॉल की लेकिन किसी वजह से वो कंप्लीट ना हो सकी। अब बहुत जल्द हम बोर्ड मीटिंग करने जा रहे हैं, तो ये भी एक कंसर्न है हमारे बहुत से दोस्तों का, भाइयों का, कि बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं होती। तो बोर्ड मीटिंग बहुत जल्द आप सुनेंगे कि यूसीएच बोर्ड मीटिंग होगी और खुदा की मेहरबानी से उसमें अच्छे फैसले होंगे। बहुत शुक्रिया। और स्पेशली मैं चाहता हूं कि क्योंकि नेशनल न्यूज जो है वो नौजवानों पर ज्यादा काम करता है, और क्योंकि जो यूसीएच है वो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक विरसा है, आप हमारे इस विरसे को हमारे नौजवानों तक, हमारी कम्युनिटी तक किस तौर से जो है वो इसको पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच अरुण। मैं देखें, ऑल्दो ये इट्स नॉट अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और आज हम बात भी जो है वो यूसीएच के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन आपने जब यूथ का हवाला दिया तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक मैसेज दूंगा, प्लीज हमें एक अच्छे पाकिस्तानी बनना है और एक अच्छी कौम बनना है। इस वक्त अगर अपने आसपास देखिए, हम हर वक्त अपने अदारों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम अपने चर्चेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम अपनी लीडरशिप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें उसमें से बाहर निकल के अगर कौम बनना है तो ये आज के नौजवान की जिम्मेदारी है कि और कि वो आगे बढ़े, प्रोफेशनली अपने आप को रिकग्नाइज करवाए। और वो हम किस तरह रिकग्नाइज करवा सकते हैं, हमारे बहुत से बच्चे जो ग्रेजुएशन करते हैं वो उसके बाद आगे टेक्निकल साइड्स पे जाना शुरू कर देते हैं। आई रिक्वेस्ट के इस वक्त द बेस्ट थिंग इज, आप अगर आर्मी में नहीं जाना चाहते आर्मी ट्राई कीजिए, उधर जरूर जाएं, नहीं होता देन गो फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएसएस का एग्जाम दें।
हमारी कम्युनिटी तब ही डेवलप होगी अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे, और सोच कैसे बदलेगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह भी मैंने मिसाल भी दी, हमें एक दूसरे की टांगे नहीं खींचनी, हमें एक दूसरे के कंधे के साथ कंधा मिलाना है, आई गारंटी यू। और मैं यहां पे थोड़ी सी आपकी इजाजत से पॉलिटिकल बात करना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि आपके क्रिश्चियन एमएनएस क्रिश्चियन एमपीएस पहले असेंबलीज में कितने होते थे, दुख की बात यह है कि जिनका नंबर पहले नंबर पे होता था, लाइक मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जब एमएनएस की मिनोरिटी की लिस्ट बनती है तो उसमें सबसे टॉप के ऊपर क्रिश्चियन एमएनए या एमपीए हुआ करता था। बट अनफॉर्चुनेटली इसको बड़ा डीपली हमें सोचने की जरूरत है कि पिछला इलेक्शन जब 4 साल पहले हुआ उसमें टॉप पे एक हिंदू का नाम था। मैं हिंदू हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हमारे भाई हैं, हमारी बड़ी काबिल एहतराम कम्युनिटी है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपनी शनाख्त, आप अपनी अहमियत और आप अपनी तादाद खो रहे हैं, विच इज वेरी डेंजरस। हमें अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, अपनी तादाद वापस लानी है। सो वो सिर्फ तब आएगी अगर हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। आप हिंदू कम्युनिटी को देखिए, आप सिख कम्युनिटी को देखिए, आप आगा खानी कम्युनिटी को देखिए, आप जो दूसरे और ऐसे मजाहिब हैं जो एज अ मिनोरिटी हमारे मुल्क में है, वो लोग एक दूसरे के साथ कैसे खड़े हैं। और हम यहां दो लोग एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हो सकते। सो प्लीज मेरी इस बात को बड़े तहमुल के साथ, बड़े सबर के साथ इस पे गौर कीजिएगा। खुदा मेहरबानी करे हम बहुत आगे तक जा सकते हैं अगर थोड़ा सा हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया इमरान, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम में आए और हमारे नाजरीन को यूसीएच के बारे में जो पॉजिटिव बातें हैं वो बयान की। और खास करके मैं समझता हूँ कि ये आज का जो मैसेज है, आज की जो सारी गुफ्तगू है, ये हमारे नौजवान कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे प्रोग्राम आवाज़े हक और हम बात कर रहे थे यूसीएच के एडमिनिस्ट्रेटर इमरान टाइटर साहब से। आज उन्होंने यूसीएच के बारे में बहुत सारी ऐसी बातों से हमें आगाह किया है कि यूसीएच जो है वो हमारी कौम के लिए एक विरसा है। हमें अपने इस विरसे की किस तरह से हिफाजत करनी है, हमें अपने इस विरसे को अपनी नौजवान नस्ल तक किस तरह से जो है वो उसको पहुँचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपकी कोई राय, अगर आपका कोई ख्याल जिसको आप समझते हैं कि यूसीएच की भलाई के लिए, यूसीएच की प्रोग्रेस के लिए, तो जरूर आप हमारे नेशनल न्यूज नामा के चैनल पर जरूर उन व्यूज को, उन कमेंट्स को जो है वो जरूर शेयर करें, ताकि एक अच्छा जो मैसेज है यूसीएच के ताल्लुक से वो हमारी कौम तक पहुंच सके। अब मुझे और मेरे टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।